सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हम सभी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तरह तरह के गैजेट्स हमें बहुत प्यारे हैं और वहां पे हमने स्टोर किया हुआ खूब सारा डेटा, लेकिन क्या करें यार, पानी के सामने वो कमजोर पड़ जाते हैं। अगर वो हाथ से गिर गए पानी में तो उसके बाद में हो जाएगा सारा खेल खत्म। मेरे साथ भी आज ऐसे ही होते होते बचा, तो मुझे लगा कि आज एक वीडियो बनाता हूं, बताता हूं कि आखिर अगर आपका डिवाइस कहीं पानी में भीग जाए, फिर गिर जाए, तो आप उसको फिर भी कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास महंगे वाले गैजेट्स हैं, जो महंगे वाले स्मार्टफोन्स हैं, वहां पे तो आपको बहुत बार पानी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाती है, फिर चाहे वो IP67 हो 68 हो। लेकिन नॉर्मली बहुत सारे मोबाइल फोन्स में आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, स्पेसिफिकली लैपटॉप्स के अंदर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर वहां पे कहीं भैया पानी गिर जाए, वो अगर पानी में कहीं डूब जाए, तो हम उन्हें कैसे बचाएंगे? तो यहाँ पे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो चांसेस हैं कि आपका डिवाइस बच जाएगा, लेकिन भैया मेरी कोई इसमें गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो तो ये है कि भैया आप उसको कर दो ऑफ। ऑफ का मतलब जड़ से ऑफ कर दो, पावर निकाल दो, बैटरी निकाल दो, स्विच ऑफ कर दो, जितना हो सकता है वहां पे एकदम उसको जल्दबाजी में बिल्कुल जैसे हो सकता है उसको ऑफ कर दो। और यहां पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, हम में से बहुत सारे यूजर्स ये करते हैं, फोन पानी में गया उसको ऑन ऑफ करके देखते हैं, और उस चक्कर में अंदर दोस्तों हो जाता है शॉर्ट सर्किट। तो जो आपका डिवाइस ठीक हो सकता था, क्या पता वो भी ठीक नहीं हो पाता है। तो यहां पे सबसे पहली बात, अगर आपके फोन की बैटरी निकल सकती है अच्छी बात है, निकाल के अलग कर दो, नहीं निकलती है तो भी उसको पावर ऑफ कर लो, डिवाइस को ऑफ करो जितना जल्दी हो सके। लैपटॉप वगैरह है, जैसा आप कर सकते हो आप उसको बेसिकली बंद करो। इसके बाद में जो भी आपके वहां पे आपने एक्सटर्नल चीजें लगा रखी हैं, फिर चाहे वो मेमोरी कार्ड है, सिम कार्ड वगैरह, उन सबको आप बाहर निकालो, क्योंकि मेमोरी कार्ड जो है वो भैया खराब नहीं होगा, एटलीस्ट जो वो डेटा है वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो जो भी एक्सटर्नल आपने उसके अंदर चीजें कनेक्ट कर रखी हैं, उन सबको आप बाहर निकाल दो। इसके बाद जितना हो सके उसको खोलने की कोशिश करो, अगर आप खोल सकते हो आराम से। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फोन का बैक रिमूवेबल है तो उसके बैक को खोल लो, लैपटॉप का आप नीचे का ढक्कन खोल सकते हो, चार स्क्रू होते हैं कोने में मोस्टली, तो वो आप खोल लो। तो जितना हो सके उसको आप खोलने की कोशिश करो, जिस हद तक बड़े आराम से खोल सकते हो। पूरा खोलने को नहीं बोल रहा हूँ कि आपने डिस्प्ले अलग कर दिया, मदरबोर्ड अलग कर दिया, लेकिन जितना आप अगर खुद से ओपन कर सकते हो उसको ओपन करो। उसके बाद दोस्तों आता है टाइम कि भैया जो पानी है आप उसको कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हेयर ड्रायर है आप उसको भैया लगा लो और उससे पानी निकाल दो। तो बात तो ठीक है कि गर्मी से पानी इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन वो जो हेयर ड्रायर की हीट है कई बार वो बहुत ज़्यादा होती है, और उस चक्कर में जो आपके जॉइंट्स वगैरह हैं वो भैया मेल्ट हो सकते हैं, और वहाँ पर आपका पूरा जो है वो कनेक्शंस का काम तमाम हो सकता है। तो ऐसे में नेचुरली कोशिश कि वो पानी कैसे इवेपोरेट हो। तो यहां पे आप हवा का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इतनी तेज हवा भी नहीं कि भैया जो जॉइंट्स वगैरह वापस में खुल जाएं। आप इसमें देखो कि एडिक्वेट हीट और एडिक्वेट हवा अगर आप प्रोवाइड करोगे, अगर आप उसको रखोगे कहीं पे खुले में, तो चीजें ठीक होंगी। और इसके अलावा दोस्तों आप यूज कर सकते हो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आने वाला साथ में पहुंच रहा सिलिका जेल का वो हो, चाहे वो चावल हो, आप उसको दबा के रखो, डुबो के रखो, ऐसा करो कि भैया जो पानी है वो वहां से बाहर निकाला जा सके। और ऐसे में जल्दबाजी से कुछ नहीं होता है कि हाँ बस दो घंटे देख लिया और मतलब बाद में ठीक हो जाएगा। कम से कम 24 घंटे 48 घंटे आप उसको उसके अंदर रखो, तब जाके होता है कि भैया जो आपका डिवाइस है वो थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। और इसके बाद में सबर करते हुए उसको ऑन करो, अगर ऑन हुआ तो सही, नहीं हुआ तो माफ़ी। और उसके अलावा एक्सपर्ट के पास जाके दिखा सकते हैं, वो एक बात की बात है, अगर आपके पास में एक्सपर्ट अवेलेबल तो वो तो भैया पहला ऑप्शन ही आप कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल सब्र रखना, पेशेंस रखना जो है वही यहाँ पे की है, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में उसको बीच में कहीं पर ऑन ऑफ किया तो उस चक्कर में शॉर्ट सर्किट होने के बहुत ही कॉमन चांसेस हैं। इसके अलावा एक और प्रो टिप कि भैया बीच बीच में अपने डेटा को बैकअप करते रहो, क्लाउड में, अपने कंप्यूटर में, जहाँ आप सेफ समझते हो वहाँ पे, ताकि एटलीस्ट अगर आपका डिवाइस लेट से पूरा खराब भी हो गया, आप उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते, तो भी आपको मालूम है कि जो लॉस हुआ वो उस डिवाइस का हुआ, डेटा का लॉस नहीं होगा। दोस्तों बहुत बार डेटा जो है वो बहुत ज्यादा कीमती होता है, आपके आज तक की पता नहीं कितनी सारी फोटोज होंगी, मैसेजेस होंगे, आपके और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, चैट्स होंगी, तो उनका अगर आप बैकअप लेते रहते हो पीरियडिकली तो कोई टेंशन नहीं है, हद से आपको पैसे बचाने हैं, नया डिवाइस खरीदना है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि भैया डेटा भी गया और डिवाइस भी गया, तो मतलब दिल पे लगती है चोट बहुत ज्यादा, जले पे छिड़क जाता है नमक, उसको आप बचा सकते हो। और ऐसे में अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करके रखो। ऑन करना ना, ये सबसे बड़ी गलती है, और ये गलती सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, कुछ भी चीज गई पानी में निकाल देते हैं कि ऑन करा, हाँ हाँ चालू चालू चालू,
वो चालू तो हो गया लेकिन वो पता नहीं चालू होने के 2 मिनट के बाद क्यों दोबारा खराब ना हो जाए। तो सबसे पहले ये पक्का करो कि जो पानी है वो एकदम सूख चुका है, और उसके बाद में अगर ऑन करोगे तो चांसेस हैं कि आपका डिवाइस ठीक तरीके से काम करने लगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को भी लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।